नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। तो दोस्तों बात करेंगे आने वाले साल के लिए तीन बैंकों के बारे में, जिनमें दो बैंक रिस्की हैं और एक बैंक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल के साथ है। कुछ लॉजिक डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म में क्या लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो RVNL हम लोग का डायमंड स्टॉक था और काफी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी कई सारे अपडेट रहते हैं, जैसे कि आपको भेल से रिलेटेड स्विंग ट्रेड स्टॉक दिया गया था, काफी अच्छे आपको वहां पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है और टारगेट अप्रॉक्स अचीव हो चुके हैं। तो ये सारे आपको कहां पे अपडेट देखने को मिलेंगे, टेलीग्राम पे, और वहां पे आपको स्विंग ट्रेड और इंट्राडे भी बीच बीच में देखने को मिलता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों बात को शुरू करेंगे सबसे पहले स्टॉक की देखिएगा लॉजिक क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो देखिए फंडामेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 14% ठीक ठाक देखने को मिली है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटल भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर ओवरऑल फंडामेंटल आप कहेंगे तो ओवरऑल फंडामेंटल एवरेज है, और एवरेज है तभी रिस्क है। रिस्क कैसे है कि जिस तरीके से ये अपने एनपीए और प्रोविजनिंग को मेंटेन करेंगे अपकमिंग ईयर में, समझिएगा एनपीए और प्रोविजनिंग को मेंटेन करेंगे मतलब अपने अपकमिंग ईयर में, उस तरीके से ही स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। स्टॉक लाने की वजह, स्टॉक अभी भी अपने प्री कोविड लेवल से आधे से कम के भाव पे, यानी कि 50% से कम के भाव पे। और दूसरी वजह क्या है अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में, अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू अभी कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर से आपको देखने को मिल रही है। और हालांकि काफ़ी ज़्यादा आपको अगर आप देखेंगे कि बैंकों पे स्ट्रेस आता हुआ देखने को मिला है, बट रेवेन्यू इनके ठीक ठाक हैं। और इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से थोड़ी बहुत ही कम हुई है, और ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। हालांकि इनके एक्सपेंसेस में भी थोड़ी सी कमी आई है पिछले लास्ट क्वार्टर में, तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि बीच में आपको तेजी देखने को मिली थी, बट अभी आपको ग्रॉस एनपीए एक तरीके से न्यूट्रल देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। तो ऐसा कोई खतरनाक स्थिति तो नहीं आई है, बट हाँ जिस तरीके से मैंने बोला ना, जिस तरीके से ये एनपीए अपने मेंटेन करेंगे और प्रोविजनिंग करेंगे उसके बेसिस पे ही इनके आगे का मूव डिसाइड होगा। नेट एनपी में देखेंगे तो काफी गिरावट इनके आ चुकी है, नेट एनपी में अगर आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर में तो काफी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, मैं बात कर रहा हूं इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 2000 के लेवल पे आपको देखने को मिलता था एक टाइम पर, 1800 के लेवल पे देखने को मिलता था, और अभी अगर आप देखेंगे तो 900 के भाव पे। तो अगर ये बहुत स्ट्रैटेजिक मैनर में एनपीए को मेंटेन करते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ रिकवरी आती है और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मार्केट का मूड और माहौल अच्छा रहता है, तो लॉन्ग टर्म में अगर ये स्टॉक अपने प्री कोविड लेवल पे तो नहीं, अगर मान लीजिए 1200 से 1400 के लेवल पे भी पहुंचता है तब भी यहाँ से आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे रिस्क मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए हैं, स्टॉक में रिस्क है। रिस्क क्या है कि किस तरीके से ये मेंटेन करते हैं अपने एनपीए को, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल अच्छा रहता है और अच्छी तरीके से मेंटेनेंस रहता है, तो इस स्टॉक में अभी भी वैल्यू बाकी है अपने मतलब अगर कंपैरेटिवली तो अदर स्टॉक, यानी कि अगर अदर स्टॉक देखेंगे तो इस स्टॉक में अभी भी वैल्यू बाकी है। बट ये शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है, मैंने आपको पूरा लॉजिक बताया है, हर एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 2000 का ये शेयर था और देन अगर आप देखेंगे तो 200 रुपए के आसपास चला गया था ये, अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो 236 रुपए के आसपास चला गया था। तो काफ़ी रिस्की भी है और कभी कभार पैनिक भी क्रिएट कर लेता है, वोलाटाइल स्टॉक है, और उसके बाद क्या होता है 40-40 रुपए की आपको 50-50 रुपए की गिरावट देखने को मिलती है। तो कभी भी जल्दबाजी ना करिए, बल्क बाय नहीं करिए, आपको जब भी लगे 40-50 की गिरावट पे दो स्टॉक
एक्यूमुलेट करिए, फिर दो स्टॉक फिर एक्यूमुलेट करिए, एसआईपी कर सकते हैं आप। तो इस बेसिस पे आपको क्या रहेगा, कभी भी पैनिक नहीं होगा, और जब भी स्टॉक अपने मूवमेंट दिखाए तो आप वहाँ पे एग्जिट भी हो सकते हैं। तो आपका व्यू कैसा रहना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरा स्टॉक की। ये स्टॉक छोटा है, छोटा बैंक है, और इसमें काफ़ी मेरा भी पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है। मैंने आपको कई बार ये स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए दिया है, कई बार आप लोग जानते भी होंगे। अगर आप जानते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और बहुत सारे लोगों ने इसको 48 के रुपीज़ के लेवल पे ले रखा है। अभी रिसेंटली स्टॉक 2 महीने पहले 48 रुपीज़ पे आसपास लाया कर रहा था, और तब भी हम लोगों ने आपको कई तरीके के सजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करे थे। बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस के साथ भी स्टॉक को ले रखा है, लेकिन अभी फंडामेंटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि छोटा बैंक है और अभी बड़े बैंकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो छोटे बैंकों पर लोगों का रिस्क भी फैक्टर ज़्यादा रहता है। बट ये प्री कोविड लेवल पर स्टॉक काफ़ी क्या था, अच्छे दाम पे था। इस पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, हालांकि कभी कभार बीच बीच में प्रेशर भी आपको देखने को मिलता है। और रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो भी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। बट अगर लास्ट क्वार्टर में बात करेंगे तो इनके देखिएगा एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करना होता है कि कम से कम एक्सपेंसेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करें। अगर आप बात करेंगे EPS की, तो EPS में अगर आप देखेंगे तो अप्स एंड डाउन ज़्यादा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, अप्स एंड डाउन बने रहते हैं, और जिस तरीके से सिचुएशन है तो उस तरीके की सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्रॉस NPA चेक करिए। ग्रॉस NPA यहाँ पे अगर छोटे बैंक के हिसाब से कहा जाए तो हाई है, तो इन ग्रॉस NPA को मेंटेन करना है, इनको कम करना है। सेकेंड चीज़, नेट NPA में इंप्रूवमेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नेट NPA में अगर आप देखेंगे तो 1.63% से 0.99% हो गया है। तो अगर इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूस रहता है, फिर से वही बात आएगी, अगर इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूस रहता है तो फेडरल बैंक में भी आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग सेशन में। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पे कई सारे ब्रोकर्स ने भी काफ़ी अच्छे रिसर्च किए हैं और काफ़ी अच्छे टारगेट भी दिए हैं। तो कभी भी स्टॉक करेक्शन पे आपको दिखे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके एक्युमुलेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपका अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनेंगे। लेकिन इसमें भी यही कहना है कि छोटे स्टॉक को देख के आप बल्क बाय मत करिएगा। और बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास बहुत कम लेवल पे है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उन्होंने, तो वो वहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सारी स्थिति आपको देखनी है, अपना होमवर्क भी करना है, जल्दबाजी किसी भी तरीके से नहीं करनी है, हर चीज़ को समझना है। जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है 70-75, चूंकि 90 के लेवल पे स्टॉक था, 97-95 के लेवल पे, तो 70-75 लेवल पे भी स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म में पहुंचता है तो यहां से आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, SIP मंथली बेसिस पे आपको समझनी है इस बात को, ताकि कभी भी करेक्शन पे स्टॉक दिखे तो आपको मंथली SIP स्टार्ट कर देनी है इस स्टॉक में। और लास्ट और बहुत ही आपको कॉन्फिडेंशियल स्टॉक है, देखिएगा HDFC बैंक। और फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो भी बहुत स्ट्रांग है, आपको स्टॉक काफी कम लेवल पे देखने को मिल रहा था अभी प्री कोविड लेवल पे, वहां से पूरी रिकवरी आपको देखने को मिली है। काफ़ी बढ़िया इन्होंने मोमेंटम बनाया था, काफ़ी अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे कमेंट्री भी आई है, मैनेजमेंट कमेंट्री भी आती रहती है, बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हैं, आप फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, और काफ़ी एक्सपर्ट यही मानते हैं कि अगर आप आने वाले सालों में अगर आप किन बैंकों पर बने रहना चाहते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग बैंक्स, यानी बिग बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। तो इन बैंकों में इनफ्लो अच्छा है, डिपॉजिट अच्छे हैं, कैश डिपॉजिट अच्छा है, लोगों का ट्रस्ट अच्छा है, तो ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में इंप्रूवमेंट करते हुए देखने को मिलेंगी। तो ये सारे बैंक थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।